हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक। मैं शाहनवाजी के टास्क दोस्तों, कैसा है? उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में आप लोग का दुनिया के सबसे बड़ा एक्सचेंज क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बिनांस का कैसा रजिस्ट्रेशन करेगा, साइन अप करेगा, कैसे कैसा करेगा, उसी के बारे में ज़्यादा जानकारी, पूरा जानकारी आप लोग को देगा। ये वीडियो को अंदर बना रहे, आप लोग को इसमें से पूरा जानकारी उसके बारे में मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोग इसमें ज्वाइन करने का टाइम, पहले ये साइनअप करने के लिए कोशिश करने का टाइम, आप लोग का ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट और इलेक्शन आईडी, पैन आईडी, कुछ ना कुछ आधार कार्ड और कुछ ना कुछ आप लोग का सामने रखने का है, उसी का एक फ़ोटो कॉपी रख कर के रखने के। उसी के बाद आप लोग गूगल प्ले स्टोर में जाके बिनांस टाइप करें, ये साइन अप, उसमें बिनांस एप्लीकेशन एंड्रॉयड और iOS में और मिल जाएगा। उसका आपको भी डेस्कटॉप में भी यूज़ कर सकते, क्योंकि आप उसके बाद आप लोग के एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद एक ऐसा वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा, उसी में साइन अप क्लिक करने का। ये साइन अप करने का विद फ़ोन और ईमेल में, आपका फ़ोन नंबर से भी साइन अप कर सकते हैं एंड ईमेल से भी फ़ोन कर सकते हैं, इसमें से आप लोग का साइन अप करने का। नेक्स्ट सेलेक्ट योर कंट्री, आप लोग का आपका कंट्री सेलेक्ट करने का, आप लोग कौन सा कंट्री में, इंडिया में है, दूसरे बाहर की है, कुछ सर भी उसमें भी आप लोग का सेलेक्ट करने का। तीसरा आप लोग का क्रिएट योर अकाउंट पर क्लिक करने का, क्रिएट योर अकाउंट क्लिक करने के बाद आप लोग का ये कंटिन्यू, इसमें नेक्स्ट में प्रोवाइड योर ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड ऑफ नेक्स्ट, उसी में आप लोग का ईमेल एड्रेस एंटर करने का। उसमें आपने पूछेगा ये नेक्स्ट चोस और नॉर्थ टूवर्ड्स द बॉटम ऑफ स्क्रीन द रिसीव बिनांस अपडेट और नॉट, बिनांस का अपडेट आप लोग को मिलना चाहते हैं तो ये यस उसमें क्लिक करने का है। यू माइट सिक्योरिटी स्क्रीन कम्प्लीटली बिल्डिंग लॉक ऑफ द प्लेस इन, सो आप लोग को इसका सामने ऐसा वाला इंटरस्पेस आएगा, यू माइट गेट द स्क्रीन कम्प्लीट एंड स्लाइडिंग लॉक इन टू द प्लेस। आप लोग उसी के बाद आप लोग ये करने के बाद आप लोग का ई मेल में अपना एक वेरीफिकेशन कोड आ जाएगा, उसी में उसमें से कॉपी करके इसमें पेस्ट करो आप लोग को बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फॉर द बिनांस का एक पेज ओपन आ जाएगा, ऐसा वाला एक पेज ओपन है। उसके में से एंटर अकाउंट डिटेल, आपका अकाउंट डिटेल्स एंटर करने का, उसी में ईमेल एड्रेस आप बना हुआ पासवर्ड करके इसमें से यस करके आप लोग टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके उसके बाद पासवर्ड आपको सेव करने के पूछते हो, सेव करने का है। उसके बाद नेक्स्ट करो, उसी में एक एंटर द अकाउंट डिटेल्स, उसमें तो वेरीफिकेशन एक कैप्चा आएगा वो फिलअप करने का बाद आपका उसमें अकाउंट डिटेल मारेगा तो आपको उसके बाद में ईमेल वेरिफिकेशन का कोड भी हो जाएगा, उसमें वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा, उसमें वेरिफिकेशन के साथ ईमेल में आता हुआ वेरिफिकेशन कोड इस पर पेस करने का ईमेल वेरिफिकेशन है। उसके बाद में आप लोग नेक्स्ट अप्लाई फॉर फोन नंबर टैब में नेक्स्ट में क्लिक कर वेरीफाई फोन नंबर प्रॉम्प्टेड, क्लिक वेरीफाई नाउ में क्लिक करने का है। क्लिक वेरीफाई नाउ में करने का KYC का प्रोसेस नंबर आएगा, जैसे एंटर योर फोन नंबर, इसी में आप लोग ये टैब में आपका फ़ोन नंबर एंटर करके देने का। उसी के बाद फ़ोन नंबर में एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, उसमें नेस्ट करने का है। ये देखो अभी अपना अकाउंट क्रिएटेड हो गया, अभी अपना क्रिएटेड हो गया, वेरीफाई आइडेंटिटी एंड अनलॉक प्राइसेस, उसी में ये वेरीफाई नाउ में आपको ये सब आने के बाद आपका अकाउंट अभी क्रिएट हो गया। उसी के बाद आपका KYC नॉन एज योर कस्टमर, क्योंकि जो भी कंपनी अब लोग कंपनी में ज्वाइन करने का आदमी लोग के पास उसमें उसके बारे में आप लोग के बारे में चेक करेगा, उसी का ये नॉन आसवियर कस्टमर तक KYC का वेरीफाई नाउ में क्लिक करने का है। ये उसमें क्लिक करने का टाइम, उसमें KYC सबमिट करने का टाइम आप लोग का याद रखने का, उसी के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम होने के, बिसाइड द फॉरन पेस ऑफ recognition issues of people that rejected the common mistake like providing the wrong personal information to KYC, अब लोग KYC इन ये एंटर करने के टाइम बहुत आदमी लोग गलत कर रहे हैं, क्योंकि उसमें बड़ा उसका फेस है ना, फेस क्लियरली दिखाने के, वो थोड़ा लाइट होते वाला जगह से आप लोग का वेरीफाई करने की कोशिश करने की, क्योंकि उसमें फेस का एप्लीकेशन आएगा, मोबाइल का एप्लीकेशन है, उसका आपका फ़ोटो बराबर दिखना मांगते हैं, उसका आपका फेस आई सब आपका अराउंड द फेस आपको बराबर दिखेगा तो आपको एक KYC पास होएगा, नहीं तो एक रिजेक्ट हो देते कभी कभी। अभी आप लोग क्या करना है कि आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन टैप कंटिन्यू में क्लिक करने का समय आइडेंटिफिकेशन एड्रेस और पोस्टल कोड सिटी नेम एंड प्रोवाइड फील्ड्स देन टैप द कंटिन्यूस, क्योंकि ये सब आप लोग का एंट्री करने का, रेसिडेंशियल एड्रेस पोस्टल कोड एंड सिटी एंड नेम इन द प्रोवाइड फील्ड्स देन टैप द कंटिन्यूस।
इंटरेस्टेड डॉक्यूमेंट सिलेक्शन पेज में जाने का है, वही कंटिन्यू करने के टाइम आप लोग को सीधा जाते हैं ऐसा वाला ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन का सेलेक्शन डॉक्यूमेंट सिलेक्शन पेज में अदर डॉक्यूमेंट टू सी द लिस्ट ऑफ अदर एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट टू सेलेक्टेड ऑफ द दिस एंड द टैप कंटिन्यू। सो अब देखो अभी आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन नेशनैलिटी ये सब कुछ अभी फिल करने का पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी करने के आइडेंटिफेरिफिकेशन के लिए आपको फिर क्लिक टू कंटिन्यूस में क्लिक करने का। दिस सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट टाइप स्कैनिंग इन्श्योर दैट यूर कैमरा ओवरऑल द एंगल्स देन अवॉइड द लो लाइट द एनवायरमेंट। आप लोग कैमरा बराबर रखने के अच्छा लाइट होने का ही आपका फेस बराबर दिखने का ही अदरवाइज एंटर द आईडी नंबर ऑल्सो गिवन फील्ड टू उसमें बाद में कंटिन्यू में क्लिक करने का। वंस दिस टास्क वेज सक्सेसफुली आप विल टेक द फेशियल रिकग्निशन स्टेज, क्योंकि आपको फेस का पूरा रिकग्निशन का स्टेज में इसमें पूरा आप लोग को चेक करने का टाइम आपका फेस का बिगिन वेरिफिकेशन का टाइम पे आप लोग उसमें आप लोग को थोड़ा बोलेगा ब्लाइंड दिखते आप लोग को एंग खोलने का बोलेगा स्माइल करने का बोलेगा थोड़ा हेड इधर उधर थोड़ा मूव करने का बोलेगा ऊपर नीचे ऐसा हेड करने का बोलेगा सबका वो ये जो कुछ सिस्टम बोल रहे उसमें तरफ से आप लोग को ये फॉलो करने का क्योंकि वो कुछ ग्लास रख के नहीं करने का क्योंकि रिमूव द ग्लासेस और द यूजिंग द कैमरा फिल्टर एट द पॉइंट क्योंकि आप लोग को कैमरा में सन ग्लास रखते ऐसा रीडिंग ग्लास रखते कभी ऐसा वेरिफिकेशन नहीं होते ये सब आप लोग को करने का क्योंकि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को उसके अंडर पॉइंट क्योंकि आपका पैन नंबर इसमें ऐड करने का तो आपका पैन नंबर के लिए इधर ही ये इसमें दिखते हैं उसमें अब एंटर करने का ये एग्री करने का कंटिन्यू करने का उसी के बाद होगा कैप नहीं रखने का ग्लास नहीं रखने का अच्छा वाले लाइट में फेस एकदम प्रेजेंट मोड में आप लोग का ये फेस होने के उसी के बाद आपको विनिंग बिगिन वेरिफिकेशन में क्लिक करने का उसके बाद आपको सामने आपको एक कैमरा ऑन हो जाएगा उसी में आपको ऐसा देखो उसमें से ऐसा कैमरा का ही पिक्चर में दिखते ऐसा ही यू विल लर्न द ऑटोमेटेड सक्सेस द मैसेज द नेक्स्ट पेज ऑफ द फेस वेरिफिकेशन वॉज सक्सेसफुल। आपको वेरिफिकेशन सक्सेसफुल आने के बाद आप लोग को ये पूरा हो गया करके एक मैसेज आएगा दिस पेज यू आर द डैशबोर्ड ये ऐसा है। इसके बाद आपको अपना डेस्कटॉप में प्ले स्टोर में अपना मोबाइल में टैब में कहीं भी जाके आप लोग को ये एड्रेस से आपको विनान्स अकाउंट खोल सकते ये इसका सिस्टम। आप लोग का ये वीडियो मालूम हो गया सुनते आप लोग का इस ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप ये वीडियो को एक लाइक कर देना एक शेयर कर दो ये उसका चैनल का सब्सक्राइबर वाले दूसरा ऐसा वाला नॉलेज वाला आप लोग का कुछ सीखने वाला वीडियो अपलोड करने का टाइम आप लोग उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को फर्स्ट पहुँचा आप लोग को सबको ये वीडियो पूरा देखा आप लोग का सबको धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।